ताज नगरी वासियों को गंगा जल समय पर और सुगम तरीके से मिल सके उसको लेकर नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ताज नगरी आगरा में कार्य चल रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के द्वारा प्रोजेक्ट के तहत होने वाले कनेक्शन, यूजर चार्ज आदि जानकारी को लेकर गंगा जल प्रोजेक्ट पर स्मार्ट सिटी के अधिकारी आनंद मेनन ने विस्तृत रूप से प्रातः दर्पण न्यूज को जानकारी साझा की। ये ताजगंज का जो 24x7 घंटे का पानी देने का प्रोजेक्ट है वो एक स्मार्ट सिटी का एक महत्वपूर्ण योजना है। तो उसके तहत हमने क्या किया है कि जो गंगाजल सिकंदरा वाटरवर्क्स तक आया था, हमने 1200 डाया का ट्रांसमिशन मेन जो 7 किलोमीटर है पूरा शहर के अंदर से डाल के हमने फतेहबाद रोड में मुगल पुलिया के पास एक नया पंपिंग स्टेशन बनाया, उधर तक हम गंगाजल लेके आया है। और इस प्रोजेक्ट के तहत 2 पंपिंग स्टेशन हमने बनाया, एक तो सिकंदरा वाटरवर्क्स में, एक मुगल पुलिया के उधर, और एक 10 लाख लीटर का एक CWR भी बनाया है। और ताजगंज क्षेत्र में 6 ओवरहेड टैंक भी बनाया है, उसमें से एक वो टीला शहीद नगर में 4200 किलोलीटर का है, तो यूपी के सेकेंड लार्जेस्ट ओवरहेड टैंक भी है। और इस प्रोजेक्ट के तहत हम 17,225 घरों में, घरों और कमर्शियल संस्थाओं में 24/7 गंगा जल शुद्ध पेयजल देने का प्रोजेक्ट है ये। और उसके साथ स्काडा सिस्टम भी होगा और स्मार्ट वाटर मीटर भी होगा। तो अभी ओवरहेड टैंक का काम पूरा हो गया, पंपिंग स्टेशन का काम पूरा हो गया, CWR का पूरा हो गया, जो भी पाइपलाइन डालना था वो भी काम पूरा हो गया। तो सिस्टम जो चल रहा है अभी घरों में पानी पहुंचा रहा है। तो अभी का क्या काम चल रहा है कि स्काडा सिस्टम भी हो गया, तो अभी मीटर लगाने का काम चालू है। तो 17,225 मीटर लगाना था, उसमें से अभी कल तक का डाटा है 10,500 के करीब मीटर लग चुका है। और घरों में अभी हम क्या कर रहे हैं कि 5 से 6 घंटे सुबह या शाम उसी रेंज में वो घरों में पानी उपलब्ध करा रहे हैं। मीटर की अगर सेफ्टी की बात की जाए तो किस तरीके से आप उसको सेफ करें? मीटर में क्या है कि वो मीटर हम एक बॉक्स के अंदर है और वो बॉक्स के अंदर वो पूरा क्लोज्ड बॉक्स है और उसका चाबी हमारे पास ही रहेगी। और मीटर में कोई मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि आप मीटर में जाके रीडिंग लेना है, हमारे पूरा लोरा नेटवर्क के थ्रू होगा तो उसमें रीडर होगा और उस रोड के थ्रू वो कर्मचारी जाएगा तो सारा मीटर का रीडिंग कैप्चर हो जाएगा। और रियल टाइम बेसिस में हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर में भी जितना भी सारा मीटर है उसका डाटा भी आ जाएगा। अब अगर चोरी की बात करें तो ऑब्वियसली चोरी तो वो जो भी लोगों का भी एक जिम्मेदारी है उसका रखरखाव करना, और जब भी वो मीटर में कोई टैम्परिंग होता है या चोरी होता है हमें IEEE में भी अलर्ट मिल जाएगा। सर अभी बीच में कुछ वीडियोस वायरल हुई थी जो गंगा जल का पानी जो लोगों के घरों में सप्लाई हो रहा था, बहुत गंदा पानी निकल रहा था, लोगों ने शिकायतें भी की थी। नहीं वो अब वो पता नहीं, देखो गंगा स्मार्ट सिटी के वो सिर्फ ताजगंज एरिया में है पर उधर तो गंदा पानी आने का समस्या भी नहीं है। अगर वो बीच बीच में कुछ लीकेज हो गया ये वो हो गया वो अलग बात है, जहाँ जहाँ लीकेज होता है हमें तुरंत वो प्रेशर डिफरेंस पता होता है और IEEE में हमें अलर्ट भी मिल जाता है। तो वाटर, और वो दूसरा बात वाटर क्वालिटी की बात, रियल टाइम वाटर क्वालिटी pH वैल्यू वो भी हमें रियल टाइम बेसिस में IEEE में मिलता है। तो अब इशू क्या है कि उधर और भी सरकारी संस्थाओं का काम होता है तो लीकेज अभी वो होता है तो 5-6 महीने लगेगा पूरा सिस्टम करने में। ये वो अभी हमें भी नहीं पता है कि कितना देर पंपिंग करना पड़ेगा, एक घर कितना पानी यूज करेगा। ये वो यूजर चार्ज की अगर बात की जाए तो कितना देना होगा अगर यूजर चार्ज की? अभी क्या है कि अभी का वाटर टैरिफ क्या है कि वो प्रॉपर्टी टैक्स ARV वैल्यू के हिसाब से है, तो पानी अगर कोई भी यूज नहीं किया फिर भी वो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा। तो उससे हटके हम एक नया तारीफ पॉलिसी प्रपोज कर रहे हैं कि जो भी यूसेज के हिसाब से, अगर एक घर में मान लो 1 महीने में 9 किलोलीटर पानी यूज किया या 20 किलोलीटर पानी यूज किया तो पर किलोलीटर बेसिस में आप कितना यूज कर रहे हैं उसी बेसिस पे पानी पे करना है। अगर कोई घर कोई 2-3 महीने बंद है तो उसको वो सबसे कम मिनिमल चार्जेस ही आएगा, तो उसी हिसाब से है। और वो अब वो पानी का वेस्टेज भी कम करने के लिए अगर ज्यादा यूसेज वालों को थोड़ा ज्यादा तारीफ होगा, बट वो तारीफ कितना डिसाइड करना है वो उसमें नगर निगम सदन के थ्रू अप्रूव होकर शासन में जाएगा, तो अभी वो चर्चा में।